विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा इस बदलते मौसम में जहां मानव ठंड से सुरक्षा के लिए घरों में हैं, बता दें सड़क पर रहने वाले गौवंशों माताओं को आसरा और इस वातावरण से लड़ना मुश्किल हो गया है। गौ रक्षकों द्वारा इस वातावरण में गौ माताओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी के सहयोग से सोट के लड्डू बनवाए गए और गौ माताओं को खिलाया गया। साथ ही उन्होंने नगरवासियों से आग्रह किया कि इस मुहिम से जुड़कर अधिक से अधिक गौ लड्डुओं को बनवाएं और खिलाएं। हम सभी विश्व परिषद बजरंग दल गौ रक्षा विभाग के गौरक्षक हैं। हम सभी इस विपरीत परिस्थिति में जब यहाँ पे ओलावृष्टि और अत्यधिक ठंड जैसी संभावना है, जहाँ मनुष्य अपने मानव अपने अपने घरों में सुरक्षित है पर गौ माताओं का साथ देने वाला और गौ माताओं के लिए बोरा उड़ाने वाली जैसी समस्याएं आ रही, तो गौ माताओं को अंदर से उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनके शरीर में गर्मी लाने के लिए सोट के लड्डू का निर्माण कर हम लोग पूरे नगर में 20 किलो के अंदाज के हिसाब से इस अभियान को शुरू किए हैं। प्रतिदिन गौ माताओं को घूम घूम कर, जो गौ माताओं जिनके पास आसरा नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उन्हें सोट के लड्डुओं का सेवन कराया जाएगा, जिससे उनके अंदर से गर्मी जागृत होगी और गौ माता को इस ठंड में लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जय श्री राम। आज बजरंग दल गौ रक्षा वाहिनी द्वारा शहर के सभी गौ माताओं के लिए देखते हुए ठंड को यह निर्णय लिया गया कि सभी गौ माता की रक्षा करना हमारा अधिकार है, जिसके तहत सभी भाइयों के द्वारा व जितने भी कार्यकर्ता है उनके आपसी सहयोग से हमने अपने घर में निर्मित किए हैं इस चीज़ को, सोट के लड्डू जो कि गौ माता को आज वितरित करेंगे तथा उनकी आगे भी इस प्रकार से रक्षा करते रहेंगे। और सभी शहरवासियों से अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आपके घर के आसपास किसी तरह से भी अगर गौ माता किसी भी परेशानी में हो तो आप हमारे गौ रक्षा वाहिनी के राजनांदगांव शहर प्रमुख भाई अंशुल कसार जी है, हमारे भैया बड़े भैया प्रशांत भैया है, अरुण गुप्ता जी है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और आगे भी किसी प्रकार की गौ माता को